नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पुरानी साड़ी की बेकार लेस का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी या दुपट्टा पड़ा है तो उसमें से इस तरह से लेस निकाल के अपने पास रख लीजिए और उसके बढ़िया बढ़िया से यूज़ कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सेम साइज़ के शॉपिंग बैग में से दो पीस कट कर लिए हैं। ये देखिए, विड्थ है इसकी 13 इंच, लेंथ है इसकी 7 इंच। अब एक पीस लेंगे, इस लेस को लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसके बराबर कट कर लेंगे। अब देखिए, इसमें सिलाई के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह रखेंगे लेस को। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब फिर से लेस लेंगे, इस तरह रखेंगे इसके बराबर, बराबर कट कर लेंगे। अब इसमें भी एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ तक हम सिलाई करके लेस को जोड़ लेंगे। देखिए, इसे हमने पूरा लेस से कवर कर लिया है। ये देखिए, सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब सेम इसी साइज के हमने दो कपड़े के पीसेस और लिए हैं। एक पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसे इसके ऊपर रखेंगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह से देखिए। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, इसी तरह से भी तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों पीसेस पे हमने किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब देखिए, कुलटीट पीस हमने और तैयार किया है। सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में राइस बैग, ऊपर से मैन फैब्रिक रखकर इसमें सिलाइयाँ लगा ली है। लेंथ है इसकी 21 इंच, विड्थ है इसकी 13 इंच। अब देखिए, इस तरह इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से भी रखेंगे, 2 इंच में निशान लगाएंगे। अब देखिए, एक पीस लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसमें यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे। अब इस पीस को लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसमें भी यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम इसके सेंटर में लगा लेंगे। देखिए, इसमें हमने यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली है और एक सिलाई हम इसके सेंटर में लगा ली है। ये देखिए, एक पॉकेट, ये दूसरी पॉकेट, ये तीसरी पॉकेट और ये चौथी पॉकेट। अब देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह से इंच टेप को यहाँ से भी रखेंगे, इसके भी सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब सेंटर के निशान से इंच टेप को इस तरह रखेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर से सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इसके लिए हैंडल भी हमने लेस से ही तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, लेस को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके हमने पूरे में सिलाई लगाकर हैंडल तैयार कर लिए हैं। लेंथ है इसकी 17 इंच। आप चाहें तो इस कपड़े से हैंडल बना सकते हैं। अब एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। दूसरा हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे और एक सिरा इस निशान पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब देखिए, इसी साइज़ की हमें एक चैन लेनी है। मैंने थोड़ा बड़ी चैन ली है, एक्स्ट्रा चैन हम बाद में कट कर लेंगे। अब इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह पलटते हुए इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, अब चैन को अलग कर लेंगे। अब इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, चैन के हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी है, जैसे इस तरफ लगाई थी। अब इसे इस तरह पकड़ेंगे। अब देखिए, चैन में हम हुक डाल देंगे। इसका हुक मेरे से खो गया है तो मैं ये वाइट कलर का हुक इसमें लगा लूँगी। अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब देखिए, इसे इस तरह बराबर कर लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। देखिए, एक्स्ट्रा चैन को हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इंची टेप को इस तरह सिलाई को छोड़ के रखेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए, इन निशानों को मिला लेंगे, इस तरफ से भी निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे,
देखिए इस तरह से, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए।